हेलो फ्रेंड्स, मैं बीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम लीगल वीगल है पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तथा जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आईपीसी के बारे में इसमें डिस्कस कर रहा हूं, तो पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस किया था इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो फ्रेंड्स, अब उसके बाद आईपीसी में आता है डेफिनेशन पोर्शन, जिसमें वर्ड मीनिंग बताए हैं, हर एक वर्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है। उनको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी हम आगे आईपीसी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे उन वर्ड्स के मीनिंग को। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10, मैन एंड वोमैन। तो मैन डिनोट्स ए ह्यूमन बींग, मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, यानी कोई भी मेल पुरुष किसी भी एज का मैन है। और वोमैन डिनोट्स ए एनी ह्यूमन फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। एज का इसमें कोई बंधन नहीं है, चाहे छोटी एज का है, चाहे बड़ी एज का है, चाहे अंडर माइनर है, वो मैन या वोमैन ही काउंट होगा। फ्रेंड्स, तो हम सारे जो वर्ड मीनिंग है वो तो आप एक रीडिंग मार के समझ लोगे, बिल्कुल सिंपल हैं। हम वही डिस्कस करेंगे जो मेन मेन है। तो अब सेक्शन 19 में डिस्कस किया हुआ है जज। जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज ए जज बट एवरी पर्सन। ये क्या बोल रहा है कि जज में सिर्फ वही पर्सन नहीं आते जिनको डेजिग्नेट एज ए जज किया गया है, पर एवरी पर्सन को हम जज बोल सकते हैं जो ये कार्य करते हैं या जिनको कानून द्वारा ऐसी शक्तियाँ दी हुई है। कैसी शक्तियाँ? एनी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाई लॉ इन एनी लीगल प्रोसीडिंग वेदर दैट इज सिविल और क्रिमिनल, इन विच ही कैन प्रोनाउंस ए डेफिनेटिव जजमेंट। यानी अगर जो जजमेंट वो देता है उसको चैलेंज ना किया जाए, या अगर हम चैलेंज करते हैं अपेलेट कोर्ट में तो उसको वहाँ कन्फर्म कर दिया जाए तो हो जाती है, तो वो फाइनल मानी जाती है। अगर चैलेंज नहीं करते हैं, अपील नहीं करते हैं, तो उस जजमेंट को फाइनल माना जाता है। और जो पर्सन ऐसी जजमेंट देता है उसको हम जज बोलते हैं, वो जज की डेफिनेशन में आता है। और इसके अलावा हु इज ए वन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू गिव सच ए जजमेंट। ये बोलता है कि नॉट ओनली ए सिंगल पर्सन बट बॉडी ऑफ, जैसे बेंच होता है हाई कोर्ट में, बेंच होता है 2 जजेज का, 3 जजेज का, कंस्टिट्यूशनल बेंच होता है, तो उस तरह से वो जो बेंच होता है उसको भी जज ही डिनोट किया जाता है एज पर सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सेक्शन 20, कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स ए जज हु इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, और ए बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी वैन सच जज और बॉडी ऑफ जजेज इज एक्टिंग जुडिशियली। कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ जहाँ जज बैठता है या बॉडी ऑफ जजेज बैठती है जो जुडिशियल कार्य करते हैं, एक्टिंग एज ए जुडिशियली, मतलब जुडिशियल जो भी एक्टिविटी है वो करते हैं उसको कोर्ट कहा गया, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया है। ये कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है, जबकि अब आप नई भारतीय दंड संहिता पढ़ेंगे तो उसमें अलग सेक्शन है, मतलब सेक्शन 2 में ही सारी डेफिनेशन पोर्शन कर दिए हुआ है, सब सेक्शन उसमें ऐड कर दी हुई है। जैसे ये बोला था मैं भी कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसमें सेक्शन 20 है और उसमें सेक्शन 2-5 है, मतलब सब सेक्शन 5 सेक्शन 2 की मैं ये, उसमें सिर्फ कोर्ट ही डिफाइन किया हुआ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं डिफाइन किया हुआ है, उसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, बात मतलब एक ही है, वर्ड तो एक ही है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सेक्शन 21, पब्लिक सर्वेंट, और ये भारतीय दंड संहिता में है सेक्शन 2 सब सेक्शन 28। तो पब्लिक सर्वेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग काफ़ी इन्होंने इलैबोरेटरी दे रखा है, इसमें जो क्लॉजेज हैं 12 क्लॉजेज हैं, और ये
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है HGS में भी और ADA में भी, कहीं भी इसको पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। तो इसमें बाय नेम ही डिस्कस कर रखा है, इसमें कोई कमेंट्री नहीं है, सेक्शन है, उसको आप पढ़िए ढंग से। तो फर्स्ट तो इसमें डिलीटेड है, सेकंड है एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, थर्ड है एवरी जज, आप जानते हैं, इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस, जो एडजुडिकेटरी फंक्शन जो केस डिसाइड करते हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, जजेस इनको हम बोलते हैं। फिर आता है एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रिसीवर और कमिश्नर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज बाई ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटीज। इसमें जो कोर्ट का स्टाफ है वो सब कवर हो जाता है, जो फाइलें मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं। इसके बाद आता है एवरी जूरीमैन असेसर और ए मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। इसका मेन आप इससे समझ लीजिए कि जिनको पब्लिक मनी से पेमेंट दी जाती है वो सब पब्लिक सर्वेंट में ही आते हैं। जो बेसिक फंडा है वो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी काउज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाई एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाई एनी अदर कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेवन्थ में आता है फिर एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाई वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अब आप समझ सकते हैं इसमें जो जेल है, जेल का स्टाफ सारा वो भी पब्लिक सर्वेंट है। अब इसके बाद आता है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस। अब इसमें जो पुलिस ऑफिसर जो सारा स्टाफ है IG से लेके DGP तक, कॉन्स्टेबल से लेके DGP तक, जितना भी जो स्टाफ है जो ऑफेंसेस को रोकने के लिए है या उनको कोर्ट तक पहुंचाने के लिए है वो सारा इसमें कवर है। अब नाइन्थ में आता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जितना भी रेवेन्यू स्टाफ है वो भी सारा पब्लिक सर्वेंट में ही आता है। इसके बाद है टेंथ एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज
टाउन और डिस्ट्रिक्ट और टू मेक अथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द असर्टेनिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज टाउन और डिस्ट्रिक्ट। इसमें रेवेन्यू का सारा मतलब पटवारी से लेकर सब पब्लिक सर्वेंट है, कानगो तहसीलदार जहाँ भी आप देखें वो सारे पब्लिक सर्वेंट में कवर हैं। अब 11th आता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर पब्लिश मेंटेन और रिसीव एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। मतलब इलेक्शन कमीशन भी पब्लिक सर्वेंट में आ गया है। इलेक्शन कमीशन का जितना भी स्टाफ आगे को लोअर स्टाफ जहाँ तक वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट में ही आते हैं। अब लास्ट 10th, 12th है एवरी पर्सन, इसको ध्यान से सुनिए फिर आप परवाड़ा भी सारा कवर कर जाएंगे। इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेमुनरेटेड बाई फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाई द गवर्नमेंट। जिसको गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट पे कहाँ से करती है, पब्लिक फंड है, हम टैक्स देते हैं, वही मनी गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है, वहाँ से वो पेमेंट देती है। जिसको गवर्नमेंट ये पेमेंट देती है और जो पब्लिक के कार्य करता है और उस कार्य के लिए उसको गवर्नमेंट पेमेंट देती है, वो सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। एंड इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाई और अंडर सेंट्रल प्रोविंशल और स्टेट एक्ट और ए गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 167 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। जो गवर्नमेंट कंपनी में स्टाफ है वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है, चाहे वो कमीशन पे है या कोई लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में है। मतलब पब्लिक फंड जहाँ भी गया, जिसको भी पब्लिक फंड से पे सैलरी दी गई, वो पब्लिक सर्वेंट में ही आता है। तो ये था पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब आता है वर्ड हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 इंडियन पेनल कोड डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 भारतीय दंड संहिता में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनी थिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, लैंड आगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड और अर्थ परमानेंटली फर्स्ट एंड, वो भी लैंड में ही इंक्लूड होता है। मतलब दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो परमानेंटली लैंड और अर्थ से अटैच है और उसके साथ फर्स्ट एंड है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स अब आता है बट रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, ये डिफाइन है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 एंड सब सेक्शन 37 भारतीय दंड संहिता। तो रॉन्गफुल गेन क्या है? रॉन्गफुल गेन इज ए गेन, रॉन्गफुल गेन इज ए गेन वाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल। मतलब रॉन्गफुल गेन मतलब किसी चीज को आप प्राप्त कर लेते हैं जिसको आप लीगली नहीं कर सकते, जिसको आप इलीगली प्राप्त करते हैं बाई अडॉप्टिंग इलीगल मीन्स, जो आपको मिल जाती है आप प्राप्त कर लेते हैं, दैट इज रॉन्गफुल गेन। अदरवाइज आप उसको एंटाइटल नहीं करते अगर आप सही तरीके से उसको आप ले नहीं सकते, तो इसलिए इसको रॉन्गफुल गेन कहा गया है। अब आया रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस वाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इट इज लीगली एंटाइटल। मतलब रॉन्गफुल लॉस, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है
लीगली आप उसको एंटाइटल कर रहे हैं, लेकिन बाई अनलॉफुल मीन आप उस प्रॉपर्टी को खो देते हैं, तो दैट इज रॉन्गफुल लॉस। फ्रेंड्स, अब आता है सेक्शन 24, डिसहोनेस्टली। डिसहोनेस्टली सेक्शन 24 ऑफ इंडियन पैनल कोड एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ भारतीय दंड संहिता। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 24। हूएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग डिसहोनेस्टली। क्या बोल रहा है सेक्शन? बोल रहा है कि कोई भी आदमी कुछ ऐसा करता है इस इरादे से कि किसी व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचाता है और किसी का गलत तरीके से नुकसान करता है, तो वो जो वो कर रहा है दैट इज डिसहोनेस्ट। क्योंकि जिसको फायदा पहुंचा रहा है वो उसको एंटाइटल नहीं है, जिसको वो नुकसान पहुंचा रहा है वो जबकि फायदे के लिए है, उसको फायदा मिलना चाहिए था पर वो नहीं मिल पाता। तो जो पर्सन ये सब काम कर रहा है, जो उसकी इंटेंशन है वो डिसहोनेस्ट है, इसीलिए उसका जो कार्य है वो डिसहोनेस्ट। फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग के लिए हम इतने ही बर्ड रखते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो आप देख रेख देख बोर भी हो जाओगे, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो अब आगे के जो बर्ड बचते हैं वो अगले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, देखो और कमेंट करो। अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उस पर भी ब्लॉग बना सकता हूँ। जैसे अभी मेरे को कुछ आ रहा था कि आप एविडेंस एक्ट पे पहले बनाइए, तो चलो अभी तो सोचते हैं उसके बारे में, पहले इसका डेफिनेशन पोर्शन कर लेते हैं, फिर उसके लिए देखते हैं। अगर लगता है ऐसा तो हम उस पर बना लेंगे पहले, क्योंकि आईपीसी वैसे भी बहुत लंबा है, बहुत सेक्शन है इसमें, तो उसमें तो कम है, तो उसको कर लेंगे पहले, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपसे तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी भी हिम्मत बनी रहे और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपको ब्लॉग बना के देता रहूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता रहूँ। अगर कोई आपके सुझाव हैं तो भी मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।